बागमारा प्रखंड अंतर्गत बागड़ा पंचायत के बारकी गांव स्थित टांडी घर के कई घरों में लगभग 2-3 वर्षों से शौचालयों का निर्माण अधूरा पड़ा है। पंचायत के मुखिया द्वारा वाहवाही लूटने के लिए आनन फानन में शौचालय तो बनवा दिया गया, लेकिन शौचालय आधे अधूरे ही पड़े रह गए, जिसका कोई औचित्य नहीं निकल रहा। वहीं बागड़ा पंचायत में निर्मित अधिकतर शौचालय पूर्ण तो हैं, परंतु लोग उसमें शौच नहीं जाते, बल्कि उसमें कूड़ा करकट एवं कचरे रखते हैं। इसका मुख्य कारण शौचालय निर्माण में पंचायत के मुखिया द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि शौचालय को देखकर लगता है कि वो कभी भी गिर सकती है, इसलिए शौचालय में शौच जाने से डर लगता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अपने जान जोखिम में डालकर कौन शौचालय में शौच करना चाहेगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्री को अनदेखा कर घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे शौचालय कुछ दिनों में ही टूट कर ढहने लगते हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा शौचालय के लिए दी गई राशि में लूट खसोट कर घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे तैसे शौचालय बना दिया जाता है, जो बाद में टूट कर क्षतिग्रस्त हो जाता है। पैसों की खाना पूर्ति के कारण केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में अपूर्ण शौचालयों के जिम्मेदारों द्वारा सुध नहीं ली जा रही। लोगों के अनुसार शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराए बिना ही कई गांवों को ODF भी घोषित कर दिया गया। बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा खुले में शौच से निजात दिलाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। योजना के तहत हर परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था एवं प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपये प्रोत्साहन धनराशि देने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके बावजूद आज भी कुछ परिवारों को इस योजना से वंचित रखा गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक से अधिक शौचालय दे दिया गया। शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से अभी भी अधिकतर परिवार खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। जिन परिवार को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है या शौचालय अधूरे रहने के कारण लोग खुले में शौच जाने को विवश हैं। भुक्तभोगी ग्रामीण उत्तम कुमार महतो ने बताया कि मेरे घर के एवं मेरे आसपास के कुछ घरों का शौचालय लगभग 3 वर्षों से अधूरा पड़ा है। इस संबंध में मुखिया से कई बार कहा, परंतु मुखिया द्वारा आज तक सुध नहीं लिया गया और ना ही कोई अधिकारी आज तक सुध लेने आए। यह शौचालय सिर्फ कागजी कलमों पर बनकर तैयार है, परंतु धरातल पर अधूरा पड़ा है, जो जाँच का विषय है। अब देखना यह है कि बागड़ा पंचायत में ऐसे कितने घर होंगे जिनके शौचालय आज तक नहीं बने हों या पैसे की उगाही कर अधूरे पड़े हैं। क्या मामला है बोलिए। मामला यही है कि 3 साल हो गया आधा अधूरा बाथरूम बना के चल गए ठेकेदार जो भी थे इनके, और 3 साल से अभी तक कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है। पहले तो ऐसे होता था कि जैसे बाथरूम बनाए आपको 12,000-15,000 जो भी मिलता था दिया जाता था, वो भी हम प्रस्ताव रखे थे तो उसमें सही से नहीं किया हमको, हम बोले छोड़िए तब तो आपने सब बनाए तो ठेकेदार शुरू से देखिए यही बना जो भी आप देख रहे सामने। कौन सा पंचायत है? पंचायत ही बागड़ा पंचायत है आपका। कौन सा मुखिया नाम? मुखिया आपका सुशीला देवी। सुशीला देवी, क्या नाम आपका? मेरा उत्तम कुमार महतो। कितना दिन हुआ ये लगभग अभी तक अधूरा पड़ा है? ये हो गया आपका 3 साल। 3 साल हो गया। 3 साल से मतलब बना था, उसके बाद जितना बना वही है बस, और कुछ नहीं। ठीक।